लकड़ी लेकर खड़े हैं, मैं इनको पहचानता हूँ कि मेरे अंदर, इनके अंदर, आपके अंदर वही है। इसलिए अगर आप अपने को पहचान लो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ख्याल नहीं है, ख्याल नहीं है, इसलिए हम दौड़ा दौड़ करते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर अपने अंदर आप अपने को जान लें, आप लोग, हम लोग कोई भी अपने को नहीं जानते, अपने को जानने के लिए प्रयत्न हो रहा है, संभव नहीं है, संभव है लेकिन कठिन है। आप वेद पुराण शास्त्र पढ़ लें, गीता को कंठस्थ कर लें, भागवत का एक एक श्लोक आप रट जाओ रोक लें, फिर भी ज्ञान नहीं होगा। शास्त्र को घोख लेना, कंठस्थ कर लेना, आप पोपट तरह से बोलना, पोपट के तरह से, वो ज्ञान नहीं है। वो तो आपको विद्या मिली और उससे जो है आप अक्षर का ज्ञान करेंगे। लिखा है उपनिषद में कि द्वे विद्ये वेदितव्ये तु सप्त ब्रह्म परम चयत्। सप्त ब्रह्माणि निष्ठातः परम ब्रह्माधिगच्छति। दो विद्या है, एक पुस्तकी ज्ञान वाचना और अच्छा बोलना, आये ज्ञान है जो अंतर का है, अनुभूति का है। अनुभूति होने के बाद कोई जरूरत नहीं पड़ती है पढ़ने की, वाचने कोई जरूरत नहीं है। आप कैसे हो? बहुत बहुत शांति है, बहुत आप खुश हैं, बहुत शांत हैं आप, लेकिन शांति की छाया हमको बताइए तो आप नहीं बताएंगे। आप बहुत दुखी हैं, शरीर में पेन है, मस्तक में पेन है। मैं बताऊं कि आप बताओ तो मैं कुछ दवा करूं, तो बोले कि आप जो है इतना भी पूछे मैं अथवा कोई कुछ बता नहीं सकता है। या आपको पेन हो ना तो ही आप समझ सको कि पेन क्या होता है, दर्द क्या होता है। इसलिए अनुभूति के बगैर कुछ ज्ञान नहीं होता। एक श्लोक आपको बोलूंगा और उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। रामायण में लिखा है, शिवलिंग प्रसन्न है, वो भगवान शिवलिंग के आश्रम में गए। पहले मेरे को संगीत बहुत प्रिय है और गला अच्छा नहीं है, यह प्रश्न किया ट्रेजिंडर का, तो शरीर जो है बांसुरी है ना, कुछ अलग बोलती है, तो अंदर बैठे बैठे सुना करता हूँ। अब ये बोल नहीं पाता है कुछ, लेकिन मुझे ख्याल है। इसलिए राम जी जो है शिवरी बैठ के हुए, इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि रहे, जंगल में तपस्वी रहे, लेकिन वहीं गए पहले। राम जी शिवजी के यहाँ गए हैं, शिवजी के आश्रम में पधारे हैं। शिवजी घबरा गई है कि प्रभु को नाम लेता रहा है, आप जो है भगवान का नाम लीजिए, जप करिए। अच्छा है भगवान नहीं आता, आ जाए ना तो आप घबरा जाओगे। एकाएक आए मैं कैसे स्वागत करूँ, क्या पूछूँ, कैसे करूँ, ख्याल नहीं आएगा आपके, हमको क्या करना, शरीर में कंपन हो जाएगा, रोमांच हो जाएगा, अश्रुपात होने लगेगा, घबरा जाएंगे। जब मैं ध्यान में बैठाता हूँ सबको, तो बहुत से भाइयों बहनों माताओं को दर्शन होता है, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी शिव, कभी माँ, कभी और, तो लोग ध्यान ध्यान में रोने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। दूसरे को लगता है कि ध्यान में आनंद आना चाहिए, लोग रो क्यों रहे हैं। मैं बोलता हूँ वो उठे ना फिर पूछना। पूछने के बाद वो लोग बोलते हैं कि माँ दिख रही थी, भगवान दिख रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, मैं तो धन्य हो गया, आज तक खाली फोटा ने मूर्ति देखा रहा, आज प्रत्यक्ष अनुभव हुआ सपने में, ध्यान में ऐसा आनंद आया, इसलिए हम रो रहे थे। रोना जो है एक आनंद का वो है, स्वरूप है, वो
सबको रोना नहीं आता, बहुत कष्ट हो तो रोने आ गया और बहुत आनंद हो ना तो रोना आता है। ऐसे किसी को बोले कि 100 रुपये दे रहा हूँ जरा 2 मिनट रो देना, तो कोई रोएगा? आएगा ही नहीं। कैसे रोना उसको ख्याल ठीक है, वो 4 बार कोशिश करेगा तो आंसू नहीं निकलेगी। हंसने के लिए तो कदाचित हंस दे। देखिए जापान में रेकी पद्धति है, ऐसे खोटे खोटे हंसाते ऐसे हंसो खूब, ऐसे करते करते अंदर से खाली हो जाओगे, कुछ फ्रेश हो जाओगे। हंसने के लिए बनावटी भी हंसो ना तो कभी कभी कुछ सही हंसना आ जाता, तो रोना नहीं आता। पर रोना तो जब अपने पर बीते ना तब आता, बहुत कठिन है। तो राम जी सेवरी भाई के यहाँ गए, सेवरी भाई भिड़नी रही, जंगल में रहती रही। एक बात आप ख्याल रखना कि हम और आप बड़े आनंद में हैं, क्योंकि हमको कुछ ख्याल नहीं है। अगर आपको तीसरे 2-3 जन्म की बात बता दी जाए तो आप भी घबरा जाओगे। एक दो आदमी को मैंने बताया, अभी जिंदे हैं वो भाई हैं अभी। एक दो आदमी तो शरीर छोड़ दिए, वो भाई बोलते हैं कि जब से अनुभव हुआ तब से मैं समझता ही नहीं हूँ कि मैं क्या हूँ। और देखा प्रभु में प्रार्थना करता हूँ कि अब मजा नहीं आ रही जीवन में, और लगता है कि जो आप हो वही मैं हूँ, भटक गया हूँ। एक जन्म में वो मोची रहे, जूता सीते रहे, एक जन्म में वैश्य रहे, गाठिया और लड्डू बनाते रहे, तीसरे जन्म में ये व्यापारी रहे, इस जन्म में ब्राह्मण है, फिर भी कपड़े का धंधा कर रहे हैं, आदत पड़ी हुई है। अभी हैं 3 जन्म बताया, लेकिन कहाँ रहा ये नहीं बताया, कहाँ जन्मे रहे आपका घर कहाँ बता दो, तकलीफ पड़ जाएगी कि हमारे घर वाले इतने सुखी रहे, हम कहाँ आ गए, अथवा मैं सुखी हो दुखी है, ये जान करके असर होता है। तो भगवान ने बहुत सी बातों को छिपा रखता है। आप जहाँ जन्मे हैं उतने ही परिवार में आप रहे तो अच्छा, अगर बता दिया जाए तकलीफ हो जाएगी। एक भाई ने बताया, मैंने एक दो बार बोला भी और लाठी के रहे लाठी, और वहाँ उनको बताया, उनका घर बार सब गए वहाँ देखने पूछने गए, तो सब बोले कि फलाने आदमी आपके घर में रहे, उनकी कुछ जीवनी खबर है कि क्यों पूछते हो? यो ही पूछ रहा हूँ, बोले मेरे दादा रहे ऐसे रहे, और खुद ही रहे दादा जो जन्म लेकर हम पूछने जा रहे हैं, कहाँ जन्मे, अभी यहाँ आकर जन्मे हुए हैं। इसलिए उनको लगा कि क्या जगत है, क्या खेल है, हम यहाँ के कलेक्टर हैं, ट्रांसफर कर दिया आपको, कच्छ के कलेक्टर बोले जाएंगे, फिर वहाँ से ट्रांसफर होगा तो अहमदाबाद के बोले जाएंगे, फिर बड़ोदरा के कलेक्टर हो गए, सही नहीं है आप क्या है, लेकिन आप कलेक्टर हो नहीं, आपको एक पदवी दी गई है, कुछ अपनी जिम्मेदारी निभाने की है, निभाओ। जब रिटायर हो जाओगे, हमारे जैसा कोई जाएगा कि साहब थोड़ा सा मेरा काम है, मामलेदार को किसी को बोल दीजिए कि काम हो जाए, बोले मैं कलेक्टर नहीं हूँ, तो साहब क्या है कि मैं भूतपूर्व हो गया, मेरे पीछे भूत लगा हुआ है, अब मैं कलेक्टर नहीं हूँ, सत्ता चली गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बात पूरी हो गई। तो आप वास्तव में हो क्या, कलेक्टर नहीं हो तो क्या हो, कि पहले मैं था वही हो तो पहले आप क्या थे। तो जहाँ आप जन्मे हो वो नाम आपका है, वो जाति है, संप्रदाय है, वो भी आप नहीं हो। आत्मा कहाँ कहाँ जन्म लेती है, फिर कहाँ कहाँ ट्रांसफर होती है, खबर नहीं। आपकी कोई जाति नहीं है, कोई आपका संप्रदाय नहीं है, कोई आपका पंथ नहीं है, लेकिन आप इसी में जी रहे हो और इसी में मस्त हैं। वास्तव में आपका स्वरूप वही है जिसको आप ढूंढ रहे हो, जहाँ जाना चाहते हो। तो हमको ख्याल नहीं है
ये बात अगर किसी गुरु पर कृपा हो बता दे तो ही समझ में आएगा। जो बता देना अनुभूति करा देने का नाम ही ज्ञान है। पढ़ने लिखने से ज्ञानी नहीं माना जाता है। एक ज्ञानी जो है वो कहीं बैठा हुआ कुछ बोलता नहीं, मस्त पड़ा है, उसको कुछ खबर नहीं है, शांति से बैठा हुआ है। जो कोई आता है जाता है। एक बार कहीं पढ़ा है कि बुद्ध भगवान के पास कोई गया कुछ पूछने के लिए, तो गया वहां देख कर गदगद हो गया, बोले कि महाराज कुछ पूछने आया हूं लेकिन कुछ पूछ नहीं पा रहा हूं आपको देख करके। आप अंदर जामी हो, मेरे को कहने का कोई शब्द नहीं है, आप जान लो, आप कुछ शब्द का उत्तर दे, मैं बोल नहीं पाऊंगा। बुद्ध भगवान ने कुछ बोला नहीं है। कैसे बड़े बड़े ज्ञानी ऐसे ही होते हैं, बोले नहीं, वो मौन बैठे रहे। भाई मौन बैठे रहे ना, बुद्ध देव उनको देखते रहे, बोला कुछ नहीं, नहीं तो जवाब देते रहे। राम कृष्ण परमहंस जवाब देते रहे, रमा महर्षि प्रश्न पूछने का उत्तर देते रहे, कहीं कहीं उत्तर नहीं दिए, मौन होकर बैठे रहे। आधा घंटा पौने घंटा वो ही बैठा, अश्रुपात हुए, उठकर दंडवत किया, प्रणाम किया, बोला कि मैं धन्य हो गया, आपने हमारी बात सब जान ली, मुझे उत्तर मिल गया, अब जा रहा हूँ। अब जो है बुद्ध भगवान का जो शिष्य पूछ रहा है कि आपने तो कुछ बोला नहीं, उसको जवाब किसे मिला। यही श्लोक है, गुरुस्तमानं व्याख्यानं शिष्यस्तु छिन्न संशयः। वही समर्थ गुरु है जिसके पास आप बैठो और दिल से आपको श्रद्धा हो और गुरु तत्व को समझते हो, आप उनसे अपना निवेदन करो तो आपके अंदर अंदर जवाब मिलेगा। आप सब जान लोगे कि हम क्या पूछना चाहते रहे, इसका उत्तर क्या मिल जाएगा। ये ऐसी बात है। तो मैंने एक पुस्तक देखा रहा, उसमें से एक श्लोक लिखा हूँ। श्लोक तो 5-6 है लेकिन एक ही बोलूंगा तो समय हो जाएगा, सुनिए। अष्टावक्र के जनक के यहाँ गए हुए हैं। अष्टावक्र जनक के यहाँ बहुत से विद्वान पंडित इकट्ठे हुए हैं और प्रश्नोत्तरी हो रही है भक्ति और ज्ञान की, और उसी में जनक राजा बैठे हुए हैं, सब लोग हंस रहे हैं, चर्चा हो रही है। वहीं अष्टावक्र गए, अष्टावक्र का आठवां अंग काका चुका। ऐसे ऐसे करते करते गए तो सब पंडित लोग विद्वान लोग हंसने लगे। भाषा काका चुका लंगड़ा आदमी को देख करके तो अष्टावक्र को जनक राजा ने प्रणाम किया, क्योंकि जनक राजा विदेही रहे, बहुत समझदार रहे। तो पंडित लोग बोलते हैं कि सुकेदार क्या है, प्रणाम कर रहे हैं। तो अष्टावक्र पूछते हैं कि ये सब कौन इकट्ठे हुए हैं, तुम क्या पूछना चाहते हो। तो जनक जी बोल रहे हैं, कथम ज्ञानम मवापनोषि, ज्ञान कैसे होगा ये प्रश्न किया हूँ। कथम ज्ञानम मवापनोषि मवापनोति कथम मुक्तिर भविष्यति, ज्ञान कैसे होता है और मुक्ति कैसे मिलती है, मुक्ति का क्या मार्ग है। वैराग्यम च कथम प्राप्ते, वैराग्य कैसे होता है, वैराग्यम च कथम प्राप्त मेतद ब्रूहि मम प्रभो, ये मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो अष्टावक्र बोलते हैं कि ये लोग चर्मकार हैं, चमार को चर्मकार नहीं बोलते हैं। आत्मा जो है कोई जाति वर्ण संप्रदाय नहीं है,
वो परमात्मा का स्वरूप है। चमकार बोलते हैं जो चमड़ी को देखता और पहचानता है, ऊपर ऊपर से खाली चमड़े का ज्ञान उसको है, अंदर का ज्ञान नहीं। तो बोलते हैं ये सब चर्मकार, इनको अंदर का ज्ञान नहीं है, मैं लगना हूँ, बाका चुका हूँ, वो इनको दिख रहा है, लेकिन मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या है, इनको नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए राजन के चर्मकार लोग तेरे को क्या उत्तर देंगे, इनको इकट्ठा करके क्या फायदा, इनसे फालतू चर्चा करके तेरे को क्या मिलेगा। पंडित लोग अवाक रह गए, संस्कृत में चर्चा हो रही है, वैराग्य कथम, बोले ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है, वैराग्य कैसे होता है। इसी में जो अष्टावक्र गीता है और अष्टावक्र ने स्पष्ट वहां चर्चा की, बताया उन्होंने। तो रामायण में भी है, ज्ञान ही भक्त ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरि भव संभव खेदा। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और भक्ति दोनों एक ही जैसे हैं। भक्ति करने वाले भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञानी लोग भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। भक्त जो है सरलता से पहुंचता है, ज्ञानी को भय रहता है पड़ जाने का, भक्त भी पढ़ता है। भक्त मतलब शरणागत बालक, छोटा सा लड़का है एक डेढ़ वर्ष का, वो चल रहा है तो माँ बाप उसके साथ साथ में चलते हैं, ऐसे पड़े तो हाथ लगा देते हैं, खड्डे में न पड़े, अग्नि न पकड़े, कहीं काटा में न पड़े, हमेशा उसके पीछे चलना पड़ता है। क्यों? वो शरणागत है, भगवान के शरण में है। बोलता है कि आप जैसे रखो ऐसे रहूं, जो खिलाओ जैसे करो वैसे ही मैं रहूंगा। बालक नहीं बोलता है कि माँ मेरे को क्या पिला क्या न पिला, जो भी दूध पिला देंगे पी लेगा, वह जहां डाकर पड़ेगी तभी ले लेगा, उसको कुछ ज्ञान नहीं है। लेकिन माँ बाप उसको बहुत ध्यान रखते हैं। एक ज्ञानी बालक मतलब बड़ा बड़ा हो गया है ना, उसके पीछे माँ बाप नहीं चलते हैं, उनको ख्याल है कि बड़ा हो गया है, बाहर जाएगा फिर करके घूम कर आ जाएगा, इसके लिए अपनी चिंता नहीं है, खुद जानता है कि क्या क्या काटा है, क्या अग्नि है, क्या खड्डा है, नहीं पड़ेगा। फिर भी कोई पड़ता है तो उसको कष्ट होता है, तो माँ बाप उसका इलाज करते हैं, दवा करते हैं, लेकिन कष्ट तो उसको भोगना ही पड़ता है, उसके अगर छुटका नहीं है। तो वैराग्य बोलते हैं कि जिसमें शुभ अशुभ हानि लाभ सत्य असत्य तमाम इच्छाएं बांध सुनाए उसमें पड़ी हो। वैराग्य का मतलब भी हमने घर बार छोड़ा, कपड़ा पहन लिया और माला पहन लिया, सबको प्रणाम किया और मैं जा रहा हूँ घर से बाहर, वो वैराग्य की प्राथमिक भूमिका है, परिपक्व नहीं है। वैराग्य मतलब रामायण में लिखा है कि जो मक्खन होता है ना, मक्खन उसमें छाछ का ताप होता है, पानी होता है, उसमें दीप नहीं जलता है, अब जलाओ तो तड़ तड़ करेगा, तो उस मक्खन को तपाना पड़ता है, तपाओगे तो घी बनेगा, उस घी में बत्ती जलाओगे तो जलेगा। इसलिए वैराग्य में कजास होती है, इसलिए वैराग्य हो लेकर के घर बार छोड़ देना में मतलब भगवान नहीं मिल गए, ये बहुत बड़ी कसौटी का मार्ग में आप चल पड़े हो, कहाँ क्या होगा कुछ खबर नहीं। इसीलिए घर बार छोड़ने के बाद परीक्षा होती है, देव लोग पितर लोग गंधर्व लोग परीक्षा करते हैं इसको क्या चाहिए। आप कहीं सर्विस में जाओ तो इंटरव्यू होता है, प्रश्न पूछा जाता है, आप जवाब दोगे पास होगे तो सर्विस में रखा जाएगा, तो वहाँ भी प्रश्न होता है,
इंद्रिया है, मन है, चित्त है, बुद्धि है, द्रव्य है, पैसा है, उसका प्रलोभन आता है कि महाराज घर पर छोड़ दिए हो, ये सब संभाल लो ना, बहुत बड़ा मंदिर है, प्रॉपर्टी है, अगर आपको ठीक लगे तो बहुत अच्छा है। अगर महाराज को जज किया कि घर बार छोड़ा और आते ही इतनी प्रॉपर्टी मिल रही है तो ले लो, भागुदय हो गया। अब वो संभाल लिए तो उनका पतन हो गया, वो नहीं समझते हैं, इसको भाग्योदय नहीं बोलते हैं, इसका नाम पतन है। लक्ष्य रह चुक गया, रह गया, लक्ष्य नहीं मिलता है, कसौटी होती है ये। इंद्र द्वार रोखा नाना अपेक्ष सुनता कर खाना आवट देखे विषय बजारी देह देही कपाट लुभारी। पढ़े होंगे आप लोग विश्वामित्र की तपस्या में मेनका आ गई है, त्रिपुरासुर की तपस्या में भी आ गई है। दैत राक्षस भजन करते हैं तो कोई विघ्न बाधा आ जाता है, द्रव्य का, पद का, प्रतिष्ठा का आ गया, पड़ गए तो काम पूरा हो गया, फिर पतन हो जाता है, उसको कुछ मिलता नहीं है। इसलिए अर्जुन ने अगर कोई तपस्या के निकल जाए तो उसको बड़ी सावधानी की जरूरत है। आप गृहस्थ आश्रमी हैं, आपके पास नहीं रहा उतना पैसा है, बैरागी और साधु के पास हुआ है, उसकी परीक्षा के लिए यह संपत्ति आती है कि ये इसमें आसक्त है कि नहीं। तपस्वी धर्मांत दरिद्र भी कौन कौन तो न जा चुके साधु संन्यासी ब्रह्मचारी पर ज्यादा पैसे आते हैं, इसलिए आते हैं तो सदुपयोग करो, अच्छे जगह इसको यूज करो, परमार्थ मतलब रखो मत। अगर कोई संभाला और रखा तो पतन हो गया, कुछ नहीं मिलता उसको, फिर जन्म मरण के चक्कर में आओ। तो योग, योग करने से वैराग्य तपता है, योग एक अग्नि है। योग जो है ध्यान में बैठो, खाना पीने पर कंट्रोल रखो, यम नियम नियम टेक रखो कि अमुक समय में ही खाने का, अमुक समय अजीब वस्तु ही खाने की, और भगवान का चिंतन और ध्यान करो। तो इससे क्या इंद्रिया अंतर्मुख होगी, शुद्ध होगी, आपको जहाँ जाना होगा वहाँ जा सकोगे। अगर ज्यादा माल पानी खाओगे तो मन ठीक नहीं रहेगा, वजन नहीं होगा, फिर ऐसा राम मौस रोग में पड़ जाओगे। इसलिए संजीवी जीवन इसलिए रखा गया है, मेघनाथ को वरदान रहा कि जो 12 बरस सोएगा नहीं और 12 बरस खाएगा नहीं उसके हाथ से तेरी मृत्यु होगी। अभी 12 बरस कोई सोया न हो और कुछ खाया नहीं हो, ऐसा कौन होगा। इसलिए मेघनाथ मर नहीं रहा था, रावण का पुत्र रहा, रावण को ख्याल रहा कि मेरा पुत्र अजय है, इसको कोई मार नहीं सकता। लेकिन जगत नियंता जो है वो सृष्टि बनाता है तो रास्ता भी निकालता है। इसलिए शेषा अवतार जो लक्ष्मण है वो शेषा अवतार है, नाग जो है, सर्प जो है, हजारों प्रश्न कुछ ना खाए तो चले, वायु पी कर रहता है, जमीन में उतर जाता है। अमुक पक्षियां है वो शीतली मुद्रा में जीती है, जो तो जीव इकट्ठा करके श्वास लेने से इसको शीतली मुद्रा बोलते हैं, इसे प्यास नहीं लगता है, पानी ना मिले तो आप जिंदा रह सकते हो, शीतली मुद्रा इसको कहते हैं। मेढक है, मेढक जमीन में अभी उतर जाएगा, बरसात के बाद 6 महीने के बाद निकलेगा, नीचे पड़ा रहता है, क्या खतरा होगा। तो पशु पक्षी को भी संजीवी जीवन है तो उससे ज्यादा मानस को रहना पड़ता है तो कुछ प्राप्त हो। और जो मैं शुरू से पढ़ा हूं ना तो वो वंश का उतना पहचानने की कोशिश किया हो, भाई बहुत कठिन, लेकिन डू आर डाई करके इसमें पढ़ो तो कुछ मिले। तो आज जहां यहां पहुंचा गया है तो ख्याल आ रहा है कि क्या है, तो वैराग्य जो है वो मक्खन है, मक्खन उसमें छाछ का भाग है। ध्यान और योग जब तक करो तो जलेगा, उसके बाद घी बनेगा, तब दीप जलेगा, वो जीभ से प्रकाश होगा, अंधेरा हट जाएगा। तो राम जी शेवड़ी के यहाँ गए हैं,
अधम हते अधम अधम मैं नारी एहू महमति मंदा धारी। हे प्रभु मैं अधम से अधम नीच हूँ और जन्म का रहते हूँ भिड़नी हूँ, नीच कुल में जन्मी ही हूँ, इसलिए हमारे यहाँ एकाएक पधारे हमको आशा नहीं। गुरु जी ने बोला रहा कि बेटा जो भजन करता है नाम लेता है उस पर ईश्वर की कृपा होती है और जाति वर्ण संप्रदाय नहीं देखता है। एक गुरु वाक पर विश्वास करके मैं यहाँ बैठी हूँ और आज आपकी कृपा दी। भगवान वहीं गए क्योंकि वो भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। एक बहुत बड़ा विद्वान हो उससे भगवान पर आप दूर रह सकता है, लेकिन अनपढ़ आदमी जो बिल्कुल हृदय का भावुक है, कोमल है, ईश्वर में है, गदगद है, हमेशा ईश्वर में जीता है, उसके आप पहले जाते हैं। एक तर्क को तर्क है ही नहीं है, ही नहीं है वहां पर तर्क कुतर्क। एक आदमी मेरे पास आया जज साहब रहे, बोले कि मैं भगवान को फंसता हूँ लेकिन हमको दिखते नहीं है। हमारे मित्र लोग आते हैं तो कभी कभी उनको सपना में ध्यान में झांकी होती है, हमको नहीं दिखते हैं, कारण क्या है? मैंने बोला आप जस आ गए इसलिए। पर भगवान को जस से क्या लेने देना है कि नहीं, आप पूछेगा व्हाट इज द प्रूफ हुई हो गॉड, आप प्रूफ पूछोगे या प्रूफ देव कि आप भगवान ही हो तो भगवान बड़ी मुसीबत हो जाती है। भगवान है इसके लिए प्रूफ नहीं है, वो है इतना सत्य पत्र, भगवान है इसको सिद्ध नहीं किया जाता है, है तो है। अगर आप बोलते हो नहीं है तो आप बड़े अच्छे बुद्धिमान हो, आपके साथ तप करने की जरूरत नहीं है। जब नहीं है आप बोलते हो ना, वही खुशी का मतलब है, क्योंकि आप कोई प्रश्नोत्तर ही नहीं है, वही पूरा हो गया। नेति नेति करके शास्त्र बंद कर देता है, बस हो गया। तो वही बोलते हैं कथम ज्ञानम आपनोति कथम मुक्तिर भविष्यति, ज्ञान कैसे होगा, भक्ति कैसे मिलेगी और वैराग्य कैसे होगा, ये जो है पूछा है। लेकिन आप जो चमार के बीच में बैठे हो राजा को बोल रहे हैं, मतलब शिवरी ज्ञान गए हैं। क्यों चमार? मतलब जो रजत होता है वो क्या जो नहीं है वो चमार है, मतलब चर्मकार और चमार में फेर है। चर्मकार जो है खाली चमड़ी देखता है, जूता बनाता है, वो भी बड़ा ज्ञानी है, वो जूता चमड़े की कदर को जानता है, किस प्रकार से इसको करके जूता बनाना ना ठीक करना, वो भी जैसा तैसा नहीं है। एक भंगी है वो भी बहुत अच्छा आदमी है, हम ही जैसे हम भंगी भी हैं। आप अपने लेटरिन बाथरूम रखते हो तो कभी आप अपने आप सफा कर देते हो, अंदर कौन आ गया, अपने आप रस फिरा दिया, धो जाते हो, सफा कर लेते हो, कि अपना काम अपने को करना है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं धंगी भी हूँ चमार भी हूँ, धंगी इसलिए हूँ कि आप बाहर की सफाई करते हो लेकिन बाथरूम झाड़ू से धोया पानी डाला चला गया वो धंगी है। आए बोलते हैं कि सबसे बड़ा धंगी मैं इसलिए हूँ कि तेरे अंदर घुसता हूँ, 72,000 नालियों में इतना कचरा भरा हुआ है, बात पित्त कफ जात जात की इच्छाएं वासनाएं अंदर भरी है, उसमें मैं घुसता हूँ, अब तेरे सारी नालियों की सफाई करता हूँ ज्ञान रूपी झाड़ू से, ज्ञान रूपी झाड़ू से सफाई करता हूँ, माला करते भक्ति में भक्ति रूपी झाड़ू से धोता हूँ, जो अंदर जाना मुश्किल है हमारे जैसा धनी आपको नहीं मिलेगा। सदगुरु बोलते हैं कि बेटा मैं जो सफाई करता हूँ तू नहीं करेगा, आप लोग कभी आओ जहाँ एक आध पत्ता पड़ा हो झाड़ू पड़ा हो नहीं करोगे, क्योंकि आप ऑफिसर है साहेब है, यात्रा कम थोड़ी है, लेकिन हम लोग करते हैं। कहीं भी कचरा हो गंदगी हो सफा कर दे अपना काम है, लेकिन सदगुरु आपके अंदर की सफाई करते हैं, आप बाहर की तो करो। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं कमी भी हूँ।
धोबी, धोबी का मतलब आजकल बहुत से लैंड्री खोल कर बैठे हैं दूसरे ज्ञाति के लोग भी। धोबी तो बहुत अच्छा होता है, सफाई करता है, लेकिन इस ये धोबी बेचारा माप में है, कपड़ा पोता है। वो धोबी जो सदगुरु है वो अंदर का आपका कपड़ा धोता है, तन मन धो रखता है, अंदर की सफाई करता है कि कोई इस पर मैल चढ़े ही नहीं। इसी भाषा में कबीर ने बोला है कि जेम की देव घर ने चदरिया, इन चदर में और कर आया हूँ, इसको मैला नहीं होने देना है, ऐसे कैसे चदर को रख देना है कि फिर आना न पड़े। ऐसी चदर ओढ़नी चाहिए कि मैली न हो, और सफाई जो है भक्ति और ज्ञान की है। भगवान का नाम लो तो अंदर की सफाई होती है। सदगुरु जैसा कोई मिलेगा नहीं जो कि एक से एक अदृश्य कचरे को धो डालता है, वो ऐसा भगवान है। वो तो अष्टावक्र वहाँ बोले हैं कि चमार है, तो मतलब इनको शरीर दिखता है, अंदर का आत्मा दिखता है, रैदास है, चौरी भाई है, और कितने गोरा कुम्हार है, कितने को भगवान मिले हैं जो हम लोग रह जाते उनको मिल जाते। वो भाव देखता है, प्रेम देखता है कि आपका भाव कहाँ है प्रेम का। उसको बुद्धि नहीं चाहिए, तर्क नहीं चाहिए, वो अंदर की बात को देखता है। इसीलिए भगवान शिवरी क्या गए हैं, बोले हैं जाति पात को धर्म बढ़ाए, ये जाति पाति को धर्म ये मैं नहीं देखता हूँ। हे भामिनी, मैं भक्ति प्रिय व्यक्ति आत्मा हूँ, जो मुझे प्रेम से पुकारता है वहाँ जाता हूँ। सत्य कहूँ सुन भामिनी गाता, मानव एक भगत कर जाता। मैं भक्ति का संबंध रखता हूँ, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, बुलाएगा मैं आ जाऊँगा, हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन शिवरी मैं तेरे आ गया हूँ और तेरे को कुछ कहना चाहता हूँ तो सुनेगी। तो शिवरी बोलते आप कहें मैं न सुनूं, लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं, अनपढ़ हो, हमको कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए प्रभु कहीं भूल हो तो क्षमा करना, कुछ समझ में नहीं आता है। भगवान वहां ज्ञान और भक्ति की व्याख्या की है, सबको बोल दिए हैं कि भक्ति और ज्ञान कहते किसको है। एक अनपढ़ आदमी अनपढ़ है, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, उसके अंदर ज्ञान भी है और भक्ति भी है। हमको लगता है पढ़ा लिखा नहीं है, साइन करने नहीं आता है, अनपढ़ है, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा है वो, और सारे तत्व को समझता है और भाव में होकर रहता है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं बेटा तेरे को बोल रहा हूँ तो सुन। तो बोल रहे हैं नवथा भगत कहूँ तेरे को, मैं नौ प्रकार की भक्ति सुना रहा हूँ, उसको तो सुन ले। तो बोल रहे हैं देखो, श्री राम जय जय राम जय राम जय श्री राम जय।
गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अवान चौथी भगति महुण कल कर कपट तजिया Thank you.
जवाब दे रहे हैं। तुमने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब देता हूं जनक, सुन। अभी मैंने उदाहरण दिया मेघनाथ का, 12 वर्ष तक कोई सोवे नहीं और कोई अन्न ना खावे, उसके हाथ से मेघनाथ मरे। अगर लक्ष्मण जी बीच में कोई सो गए होते और कुछ खा लिए होते तो मेघनाथ मरता नहीं, एक व्रत और टेक है। अगर कोई आदमी भगवान को बैठा करके प्रतिज्ञा कर ले, यास में दारू नहीं पीऊंगा, आपके चरण में संकल्प कर रहा हूं, मेरे पर दया कर, इसमें वकालत नहीं है। ठीक से बोलना कि पान नहीं, मद्यपान नहीं। एक भाई बोला कि मैं दारू नहीं पीऊंगा, तो उसके 15 दिन के बाद कोई आकर बोला वो बापू पीने लगा है, तो मैंने बोला यार भगवान के सामने बोल कर फिर पीता है कि अब दारू नहीं पीता हूँ, वो अब लट्ठा पीता हूँ। बात वही पे वही है। छोड़ने का मतलब एक पर तो छोड़े, तो फिर छोड़ो, फिर मद्यपान मत करो। अगर कोई आदमी भगवान के सामने व्रत ले ले कि आज मैं तम्बाकू नहीं खाऊंगा, आपके चरण में समर्पण है, आप मेरे पर कृपा करिएगा, आज मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, मेरे पर कृपा करिएगा, आज से दारू ने अगर संकट किया और व्रत अगर 3 वर्ष अथवा 12 वर्ष निभ गया, तो उसको चमत्कार होगा, बहुत बड़ी घटना घटेगी और उसका कल्याण हो जाता है। व्रत और टेप बोलते हैं। लक्ष्मण जी खाली जो है सोए और खाए नहीं, उसके व्रत के प्रताप से मेघनाथ मरा है। अगर 1-3 खा लिए होते और सो गए होते तो मेघनाथ नहीं मरता। एक भूल से 8 पेपर है और आप अच्छा लिख रहे हैं, 1 पेपर आप छोड़ दिए नापास हो जाओगे। 1 पेपर छोड़ने से नापास, सफलता आपको नहीं मिलेगी। व्रत और टेक का मतलब क्या है वो समझा रहा हूं। आप लोग एक आध भजन भाव में आ रहा हूं।